चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी जितनी भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, या आपके बालों में बिल्कुल बाउंसीनेस नहीं है, स्कैल्प आपकी बहुत ज्यादा इची है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो प्रोसेस है, कैसे यूज करना है, क्या रिजल्ट है, वो आपको मतलब वीडियो पूरा देखोगे तभी पता चलेगा। सो या चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ वो प्रोडक्ट कौन सा है। दिस इज द प्रोडक्ट, ये है ब्रांड प्रो टच से, और ये एक तरह का एक थेरेपी कॉम है जो बेसिकली एलईडी लाइट्स के साथ आता है। सो हमें पता है कि यार एलईडी लाइट्स अभी स्किन केयर में भी कितना ज्यादा काम आ रही है। तो अभी आप देखोगे कि जो भी स्किन ट्रीटमेंट चल रहे हैं अभी, उनमें भी इन एलईडी लाइट्स का यूज किया जाता है। फेस मास्क आ गया है एलईडी लाइट वाले। सो अभी ये जो कॉम है ये भी आपका उसी तरह से काम करेगा जैसा कि एलईडी लाइट स्किन केयर में हेल्प करती है। सो यस, पहले इसकी पैकेजिंग की देख लेते हैं, देन मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज करना है और इसका रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा। सो दिस इज द ओवरऑल पैकेजिंग। ये मुझे कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव हुआ था, और यहाँ पे आपको दो प्रोडक्ट एक साथ मिल जाते हैं। ये मिलता है आपको एलईडी हेयर ग्रोथ थेरेपी कॉम, एंड इसके साथ ही आपको मिल जाता है बायोटीन एंड कॉलेजन हेयर ग्रोथ ड्रॉप्स। सो वी ऑल नो बायोटीन एंड कॉलेजन हमारे हेयर रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं या ग्रोथ नहीं हो रही है या इची स्कैल्प है, उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड ये जो ड्रॉप है ये अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेट फॉर्मूला के साथ आती है। 60 ml आपको क्वांटिटी मिलेगी, और बेसिकली ये कॉम्बो के साथ ही आपको मिलता है। सो अगर आप ये कॉम्ब बाय कर रहे हो तो उसके साथ ये ड्रॉप्स आपको फ्री मिलेगी। बेसिकली आपको ये नोजल ड्रॉपर के साथ मिलती है जिसको यूज करना काफी ज्यादा ईजी है, और आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बिल्कुल भी ऑयली या स्टिकी ग्रीजी नहीं है कि आपके बालों को बहुत ज्यादा से चिपचिपा बना देगी, आप यूज नहीं कर पाओगे, आप यूज भी कर रहे हो तो उसको रख नहीं पाओगे अपने बालों में। नो, आप डेफिनेटली इसके साथ मतलब पूरी रात भी आप रख के अपने बालों में सो सकते हो। सो यूज कैसे करना है मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। सो यस, दिस इज द कॉम। ये आपको मिलता है कुछ इतना प्यारा सा स्लीक सा कॉम, एंड इसके साथ ना आपको ये केबल भी मिल जाएगी। तो आपको नॉर्मली इसको चार्ज करना है, मतलब कॉर्ड के साथ नहीं है, विदाउट कॉर्ड वाला ये कॉम है। तो बेसिकली बहुत ज्यादा ट्रेवल फ्रेंडली रहता है, इजी यूज होता है, मतलब आप बाथरूम में, आप अपने बेड के पास में, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। सो जो वायर वाले कॉम होते हैं ना, वो थोड़ा सा टफ होता है उनको यूज करना, बट इसको डेफिनेटली आप कहीं भी यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ये ऑन एंड ऑफ का है, एंड इसका प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा, एंड आई थिंक आपको ये वाइब्रेशन सुनाई दे रही होगी। सो नॉर्मली अगर आपको एलईडी लाइट यूज नहीं करनी है, नॉर्मल आपको मसाज करनी है अपने बालों में, सो आप ये वाला जो वाइब्रेशन मोड है इसको यूज कर लीजिएगा। तो एक मतलब जो होता है ना कि दूसरे के हाथों से जब हम मसाज करवाते हैं वैसी फीलिंग आती है, तो जनरली आपको वैसा ही फील होगा, काफी अच्छे से मसाज होगी आपके बालों में। एंड उसके बाद ये जो मोड है, यहाँ से आपको लाइटिंग मिलेगी, मतलब जो लाइट्स है एलईडी लाइट्स। So, इसके साथ बेसिकली आपको तीन तरह की एलईडी लाइट मिलती है, ब्लू, रेड एंड न्यूट्रल लाइट। सो बेसिकली जो ब्लू लाइट है ये आपके बालों को सूथ करेगी, काम करेगी, एंड दिस इज बेस्ट फॉर इची स्कैल्प। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो आप बेसिकली इस पर्टिकुलर जो ब्लू लाइट है इसके साथ आप मसाज कीजिए, फॉर श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड नेक्स्ट जो लाइट है इसमें आपको मिलती है वो है रेड कलर की। ये आपके जो कॉलेजन प्रोडक्शन है आपकी स्कैल्प का, उसको स्टिमुलेट करती है और आपके बालों को स्ट्रेंथ देती है। तो रूट्स अगर आपकी स्ट्रेंथ रहेगी तो हेयरफॉल ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज होगा। तो अगर हेयरफॉल की प्रॉब्लम है तो आपको रेड लाइट यूज करना है, अगर आपको इची स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली इसकी जो ब्लू लाइट है उसको यूज कर सकते हो। एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो होता है एक न्यूट्रल लाइट, मतलब कोई भी लाइट वाइट नहीं होगी। जब नॉर्मली आपको मसाज करना है वाइब्रेशन के साथ, तब आप बेसिकली वो वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसका वेट काफी ज्यादा कम है, मतलब आप किसी बच्चे के हाथ में भी देके बोलोगे ना कि यार तुझे मेरे स्कैल्प पे मसाज करनी है इस कॉम के थ्रू, इजीली कर सकता है, मतलब इतना ज्यादा लाइट वेट है। सो यस, आपको नॉर्मली कैसे यूज करना है, ये जो इसके साथ आपको ये ड्रॉप्स मिली है इसको पहले आपको अपनी स्कैल्प पे लगाना है इस तरीके से, बहुत ईजी वे में लग जाता है, कोई भी ऐसे होच पोच नहीं है, और आप देख सकते हो बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं दिख रही है। सो यस, अच्छे से आपको रूट्स पे लगा के, और जो भी आप यूज करना चाहो, मैं तो आपको बोलूंगी कि आपको 5 मिनट ब्लू से मसाज करनी है एंड 5 मिनट की आप रेड लाइट से मसाज कर लो, दैट्स इनफ, मतलब इससे ज्यादा आपको कोई भी जरूरत नहीं है, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। इस तरह से नॉर्मली आपको कॉम करना है, तो आप कॉम करोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो एलईडी लाइट्स है, जो इनकी रेज है, वो आपके स्कैल्प पे जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, एंड बेसिकली वी कैन से इट्स अ गेम चेंजर। मतलब जिनको सैलून जाना पसंद नहीं है, या आप मतलब बेसिकली मैं सैलून नहीं जाती हूँ, 2 से 3 महीने में एक बार अगर हेयर कट वगैरह करवाना है तो मैं सैलून जाती हूँ। सो अगर आपको कुछ हेयर
ट्रीटमेंट चाहिए अपने घर पे ही, जो कि आप अपने आप से कर सको, किसी अदर पर्सन की हेल्प लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो फॉर श्योर आपको ये ट्राई करना चाहिए। काफी अच्छा प्रोडक्ट है गाइज और काफी अच्छा रिजल्ट है। मैं लास्ट आई थिंक लाइक मेरा बेबी है अभी 4 मंथ्स का, तो 2 मंथ्स तक तो मुझे हेयरफॉल नहीं हुआ था, थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे हेयरफॉल नहीं था, बट आफ्टर 2 मंथ्स मतलब बेबी जब 2 मंथ्स का हो गया, अभी 2 महीने से मेरा बहुत ज्यादा हेयरफॉल हो रहा था और लिटरली मैं परेशान हो गई थी। लिटरली मैं ऐसे कर रही थी ना तो पूरा गुच्छा निकल रहा था मेरे बालों का, बट जब मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया, मतलब 15 से 20 डेज से मैं यूज कर रही हूँ और डेली मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि हेयरफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मतलब स्टिकीनेस नहीं है, ग्रीजी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको यूज करने के बाद हेयर वॉश करना ही पड़ेगा। नॉर्मली आपको ड्रॉप्स लगानी है और मसाज करनी है और आपको छोड़ देना है थ्रू आउट नाइट। अगर आप मॉर्निंग में वॉश करना चाहो तो भी कर लो, अगर नहीं भी करना चाहो तो आप छोड़ सकते हो मतलब अपने बालों को ऐसे भी। तो मैं लास्ट 15-20 डेज से यूज कर रही हूँ, लिटरली मेरे हेयरफॉल में मुझे फर्क नजर आया है, मतलब जो मैं ये नहीं बोलूंगी कि हेयर ग्रोथ हो गई है क्योंकि अभी 15 से 20 दिन हुए हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े थोड़े से बेबी हेयर आप देख सकते हो यहाँ पे हल्के हल्के से, ये देखो आप छोटे छोटे से बेबी हेयर आना स्टार्ट हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, शायद कैमरा तो इसको फोकस भी नहीं करेगा, बट यस ये वर्क करता है। सो एक बार जरूर से आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत बड़ा खर्चा करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉमिनल प्राइस का है 500 से 3000 के बीच में है, तो एक बार अगर आप लोगे ना तो घर के हर एक मेंबर यूज कर सकता है और कुछ भी मतलब सिर्फ चार्जिंग करना है एंड यूज कर लेना है, मतलब बहुत ज्यादा हॉचपॉच है, बहुत मगजमारी वाला काम नहीं है। सो यस लिंक मैं आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट सब पे अवेलेबल है और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, तो एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यस गाइस ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट दिस ProTouch LED Hair Therapy Comb। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर से कीजिएगा और जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट कैसा है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।